बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम सॉल्व करने वाले हैं वर्क एग्जांपल्स को। यूनिट टू की फोर वर्क एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर ली थी, आज हम फाइव सिक्स और सेवन सॉल्व करेंगे। तो वर्क एग्जांपल नंबर फाइव आपके सामने मौजूद है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, अ कार मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। एक कार सफर कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक अप्लाई होता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी गिरती जाती है यहाँ तक कि वो बिल्कुल रुक जाती है और उसका जो वेलोसिटी गिरने का जो रेट है यानी रेट ऑफ एक्सेलरेशन है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस जो है वो मालूम करना है कि वो इतनी देर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। पहले हम इसका डाटा लिख लेंगे। ठीक है, डाटा में अगर हम ये हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी है क्योंकि जब उसने ब्रेक्स अप्लाई किया तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड थी, तो ये आ गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, ब्रेक सप्लाई हुआ इट्स वेलोसिटी डिक्रीज होती है यहाँ तक कि वो रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, रेट ऑफ एक्सेलरेशन आपके पास जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और आपने मालूम करना है अब डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डाटा आपके पास गिवन है, इसके मुनासबत से आपने सॉल्व करना है। ठीक है, मैं ये साइड पर सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको नीचे ही इसी तरह सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस आपको मालूम नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन में आप जो है पहले देखेंगे कि फार्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, तो तीनों फार्मूलों में से जो थर्ड इक्वेशन का जो फार्मूला है वो यहाँ अप्लाई हो सकता है। ठीक है, टाइम गिवन नहीं है, इट मींस लास्ट फार्मूला आपका अप्लाई होगा जिसमें टाइम गिवन नहीं होता, वो है टू ए एस, ठीक है, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई वी आई स्क्वायर। ठीक है, अपॉन टू नहीं यही है। ठीक है, ये फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ हमें डिस्टेंस मालूम करना है, हम इसको कर लेंगे एस इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन टू ए, पूरा इधर आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज आप पुट कर लें, वी एफ की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वी आई की वैल्यू 30 है, 30 का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन आ जाएगा ए की वैल्यू 6 है, 2 × 6। ठीक है, अच्छा, ये जो है एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो ये कि ये रिटार्डेशन है। ठीक है, तो इट मींस एक्सेलरेशन चूंकि कम हो रही है वेलोसिटी, तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस 6। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देख लें, आपका ये हो जाएगा 0, ये तो 0 0 होगा, 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन माइनस 12 आएगा। ठीक है, नीचे आपके पास आ जाएगा माइनस 900 ऑन माइनस 12, दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 2 6 0 2 4 0 8 2 5 0 10 0 6 1 0 6 6 36। ठीक है, 6 7 42 30 आया और आगे 5, इट मींस कि इसने 75 मीटर्स का जिस डिस्टेंस है वो तय किया। यही आपका आंसर है वर्क एग्जांपल 1 का। ठीक है, सॉरी, ये आंसर वर्क एग्जांपल 5 का है। ठीक है, तो वर्क एग्जांपल 6 कर लेते हैं अब हम। ठीक है,
वर्क एग्जाम्पल सिक्स में आपके पास है मोटरसाइकिल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, इट गेट्स एक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसमें भी हाउ मच डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस मालूम करना है, हमारे पास डाटा में गिवन क्या क्या है। ठीक है, इसमें हमारे पास वी आई गिवन है, यानी इनिशियली ये मूव कर रही थी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन इसकी है, एक्सेलरेट होती है ये मीटर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें मालूम करना है डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा हाँ टाइम भी गिवन है 10 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम गिवन है कि 10 सेकेंड्स में ये कितना कवर करेगी, एस हमें मालूम करना। अब हमें देखना ये है कि यहाँ हमारा कौन सा डाटा के मुताबिक जो है वो फार्मूला लगेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ हमारा जो फार्मूला लगेगा वो सेकेंड इक्वेशन का फार्मूला लगेगा। ठीक है जी, फार्मूला आ जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन का फार्मूला हमारे पास था एस इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, वी आई हमारे पास जो है वो है 40। ठीक है, टाइम हमारे पास है 10। ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारे पास है 8। ठीक है, और टाइम हमारे पास है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 प्लस हाफ 800। ठीक है, अब यहाँ आप इसको तो कैंसिल कर सकते हैं, बीच में कोई प्लस माइनस साइन नहीं, 2 4 8 4 4, ये आपके पास आ गया 400 प्लस 400 आपके पास आ गया 800। इट मीन्स इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 800 मीटर। यही आपका सेकेंड वर्क एग्जाम्पल का आंसर है। ठीक है, सेकेंड मीन्स वर्क एग्जाम्पल सिक्स का यही आंसर है। ठीक है, वर्क एग्जाम्पल सेवन आपके पास लिखी है। अब तो इसमें आपसे कहा जा रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन टू पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी ऑन इट। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी के साथ साथ जो है वो स्लो डाउन होगी एंड विल रिटर्न बैक टू अर्थ, और जमीन की तरफ वापस आएगी। फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो डेटा हम लिख लेते हैं, पहले डेटा हमारे पास आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी जो है, चूंकि ये नीचे से जब जाएगी तो नीचे इनिशियल वेलोसिटी ये बता दी 12 मीटर पर सेकेंड, और जहाँ तक पहुँचेगी वहाँ रुकेगी तो ये जीरो है, यहाँ से फिर वापस नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, आपका वी आई इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वी एफ हो जाएगा जीरो। ठीक है जी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है, हम इसको अप्रोक्सीमेट -10 कर लेते हैं। -10 होगा, -10 इसलिए कि अपवर्ड जा रहा है, रिटार्डेशन हो रही है, वेलोसिटी जो है वो स्लो डाउन हो रही है, तो ये रिटार्डेशन होगा। ठीक है अच्छा जी, अब हम देखें कि यहाँ हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा। तो यहाँ हमारा जो फार्मूला लगेगा हमें मालूम करना है टाइम। ठीक है, तो गिवन डाटा के मुताबिक हमारा फार्मूला जो लगेगा वो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। फर्स्ट इक्वेशन का फार्मूला लगेगा, वी एफ हमें पता है, वी आई हमें पता है, जी हमें पता है, टी हमें मालूम करना है। ठीक है अच्छा जी, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ टाइम मालूम करना है, पहले हम वी आई को उधर लेके चले जाते हैं, यहाँ प्लस में है या माइनस में आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई ठीक है इज इक्वल टू जी
टी, ठीक है। अब जी को आप इस साइड लेके आ जाएंगे, जी जो है यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, यहाँ का डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी इजिकल टू टी, ठीक है। टी मालूम करना है आपने, अब इसको आप जो है वो टी को पहले लिख लें और बाकी फार्मूले को बाद में कर लें। टी इजिकल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी, सारी वैल्यूज को पुट कर लें। वी एफ आपके पास ज़ीरो है फाइनल वेलोसिटी, और वी आई आपके पास जो है वो 12 है, ठीक है, 12 है। और ग्रेविटी क्योंकि माइनस में जा रही है तो ये माइनस 10 है, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 12 अपॉन माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 12 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2। तो इसने इसका मतलब डिस्टेंस जो कवर टाइम जो लिया है उसने 1.2 सेकेंड लिया है, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका पूछा था फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो ये आपके पास जो है 1.2 सेकेंड्स है, यही आपका आंसर, ठीक है। तो आज हमने यूनिट 2 के तमाम वर्क एग्जांपल्स जो हैं वो पूरे कर लिए हैं, 5, 6, 7 आज के, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम यूनिट 3 को शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।